हेलो फ्रेंड्स, आज एक रिक्रूटमेंट निकल के आई है जो है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें बहुत ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत से डाउट है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, अप्लाई मोड क्या है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन क्या है। तो आरपीएफ ने बहुत ज़्यादा पदों पर इस बार भर्ती निकाली है दोस्तों, तो आपने ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और भी ज़्यादा जगह निकल के आई है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन आउट हो गई है, मैंने बोला था, ठीक है। अभी अपन पूरा वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं, जिसमें आपको डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है 18,000 दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है और पोस्ट तो इतने ज़्यादा है, मतलब आप लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरना है दोस्तों, ठीक है। कांस्टेबल, अभी पोस्ट नेम क्या क्या है, तो कांस्टेबल के लिए ही है, के लिए भी है और सब इंस्पेक्टर के लिए भी है, मतलब एसआई के लिए, ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन क्या है, आप जो प्रेफरेंस दोगे दोस्तों उनको, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अमरावती हो गया या यवतमाल हो गया, तो जो आपको नज़दीक गिरे आप पास में गिरे तो वो आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो बहुत से लोगों ने स्टार्टिंग डेट इसकी नहीं बताई है, कि बताया कि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। तो नोटिफिकेशन अगर अच्छे से पढ़ी जाए दोस्तों, तो उसमें स्टार्टिंग डेट जो है वो 1/10/2021 लिखी हुई है, ठीक है। सैलरी है 21,700 से लेके 69,100 तक, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 5,000 है और SC ST के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 500 है और SC ST के लिए 250 है, ठीक है। तो आपको एज लिमिट कितनी चाहिए, तो 1/10/2021 तक के आपकी एज 18 हो जानी चाहिए, 18 से कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। अगर आपकी एज मतलब 23 या 25 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब एज रिलैक्सेशन पकड़ के चल रहा हूँ मैं, 25 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते। और आपकी एज 17 भी है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों, ठीक है। मतलब आप कंफ्यूज रहते हो कि सर मेरा 17 एज है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, तो आप नहीं भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। अभी एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको पता है, SC ST को थोड़ी छूट दी जाती है कि 3 इयर्स या 5 इयर्स करके, तो जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपकी होंगी फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए दोस्तों किसको, मेल को, और 157 फीमेल को चाहिए, ठीक है। चेस्ट है 80+5, 80 मतलब बिना फुलाए, 5 मतलब फुलाए, मतलब 85 मतलब फुलाए। तो आपको चेस्ट चाहिए 80+5, वेट आपका 50 kg के ऊपर चाहिए। और रनिंग जो टेस्ट होने वाली है आपकी वाली, वो 1.6 किलोमीटर 5:45 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। और वो है मेल के लिए 1.6 किलोमीटर मेल के लिए, 800 मीटर है फीमेल के लिए जो 3:45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाई जंप है मेल के लिए, फीमेल के लिए मेल के लिए है 4 फीट, फीमेल के लिए है 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट, ठीक है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कैंडिडेट मतलब आपको अगर कांस्टेबल के लिए आपको रिक्रूटमेंट कांस्टेबल का आप अगर फॉर्म भरते हो, तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका वो चाहिए 10th पास, ठीक है। लेकिन अगर आप SI और दोनों भरना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको स्पेशल SI के लिए भरना है, तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट भी कम्प्लीट, मतलब आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आप तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है अभी, तो आपको सबसे पहला है कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। उसमें आपको सब्जेक्ट पता है आपके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, वो जो आपको पता है वो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर हमको सिलेबस नहीं पता, आप सिलेबस पे वीडियो बना दीजिए, तो 100% मैं सिलेबस में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी कंप्यूटर सबसे पहले क्या है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका पहले, बाद में पास जो लड़के पास होंगे उसका है फिजिकल टेस्ट, जो लड़के फिजिकल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में दोनों में पास हो जाएंगे उनका है मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद लगेगा आपका फाइनल मेरिट। मेडिकल टेस्ट हार्ड है दोस्तों, तो आप पहले ही प्रिपरेशन करके चले जाइएगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, अभी इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 2018 से दोस्तों, किस कहाँ से, 2018 से आरपीएफ की जगह ही नहीं निकली है, तो इन्होंने फॉर्म की जो डेट लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी
ख़त्म कर दिए, तो लास्ट डेट जो है वो 28/10/2021 है। तो आपको एक ही तारीख से समझ जाना है कि हमको फॉर्म भरना है, मतलब भरना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीख को फॉर्म कंप्लीट कर देना है भर के, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड का है, एडमिट कार्ड अवेलेबल मतलब बाद में बताएंगे, वो अवेलेबल सुन मतलब बाद में बताएंगे, एग्ज़ाम डेट भी बाद में बताएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpf.government.in, ठीक है। अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन, मतलब अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो, अप्लाई अप्लाई मोड ऑनलाइन ही है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है, तो आपको जाना है rpf.government.in पे, वहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप बोलो तब, ठीक है। और भी जगह निकल के आई है दोस्तों, आप ज़रूर भरिएगा, ये राज्य आरोग्य मुंबई, SSCGD, इंडियन एयरफोर्स, तो आपको जितना भी चाहिए मतलब आपको भरना ही चाहिए मेरे मन से। तो मैंने तो तीनों भी भर दिया हूँ, क्योंकि कैसे अभी पहले ही वैकेंसी निकल नहीं रही है, अगर वैकेंसी निकलती है, जो भी वैकेंसी निकलती है तो आप भर दीजिएगा, किसी के लिए राय नहीं देखने की, डायरेक्ट भर देने का, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों, अगर कुछ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मुझको कॉन्टेक्ट करिए, कमेंट में कमेंट लिखिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।